वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन की। सो गाइस आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का थर्ड मैच के बारे में, क्योंकि यहां पर दो मैच इंडिया हार चुकी है। आज प्रिडिक्ट करेंगे कि यह मुकाबला इंडिया ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, और क्या क्या यहाँ पर मैच की कहाँ पर पिच होने वाली है, क्या पिच होने वाली है, पिच के रिकॉर्ड्स क्या है, किस तरह का यहाँ पर टोटल स्कोर होने वाला है, किस तरह के रिकॉर्ड्स है, इस तरह से हम आज बात करेंगे। सो गाइस वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो गाइस चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। सो गाइस ये मुकाबला होने वाला है विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पर ये जो विशाखापट्टनम में ज्यादा मैचेस ज्यादातर खेले नहीं गए, कुछ मैचेस खेले गए हैं, तो यहाँ पर ज्यादा रिकॉर्ड हमारे सामने है नहीं और कुछ हम कहेंगे नहीं। फिलहाल तो हम हेड टू हेड और यहाँ पर मैच की पिच की रिकॉर्ड की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल कितने T20I खेले गए हैं। यहाँ पर टोटल टू यानी दो T20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम हारी है दोनों के दोनों मैचेस, और दूसरे मतलब जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम है वो दोनों मुकाबले जीती है। यानी कि अगर जो ओवरऑल यहां से देखा जाए तो देखने में लग रहा है कि अगर जो जोन सी भी टीम सेकंड नंबर पे उतर के आती है, यानी कि पहले नंबर पे जो करेगी, जो टॉस जीतेगी, पहले बॉलिंग चूज करने वाली टीम ज्यादातर फायदे में रह सकती है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है यहाँ पर 104 रह चुका है और सेकंड का 106 रह चुका है। सो यानी ओवरऑल सेकंड यहाँ पर सेकंड करने वाले पे ज्यादातर मतलब थोड़ा बहुत फायदा नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हम वेदर की बात करें तो ड्यू की संभावना है, मतलब थोड़ा बहुत मौसम जो है ठंडा रहने वाला है। अगर जो स्पेशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर हर कोई यही कह रहा है, यहाँ पर अगर जो मैच विन यहाँ पर टॉस इंडिया जीतती है तो उन्हें सेकंड बॉलिंग ही चूज करनी चाहिए। बात करें अगर जो यहाँ पर हाईएस्ट टोटल रन्स की, यहाँ पर टोटल रन्स हाईएस्ट इस वाली पिच के ऊपर कितने हैं, तो यहाँ पर अभी तक इस वाली पिच में 127 रन हो चुके हैं भाई ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में 127 रन खेले मारे गए थे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और लोएस्ट रन 82 का है श्रीलंका के द्वारा, और हाईएस्ट चेज रन 127 है। तो यानी कि मुझे जो देखने में लग रहा है ना या हाईएस्ट टोटल रन्स के, भाई देखो हाईएस्ट टोटल 127 है, यानी ओवरऑल जो इस मैच में लोगों को रन्स का वो दिखने वाला है ना कि रन कितने बन रहे हैं, मतलब ज्यादा रन नहीं दिखेंगे, वही 140 तक ज्यादा ज्यादा खिंच जाएगा, उससे ऊपर मुझे लगता नहीं है कि खिंचेगा। वहीं बात करें T20 डोमेस्टिक मैचेस की, यहां पर इस मैच पे इस पिच के ऊपर कितने T20 डोमेस्टिक मैचेस अभी तक खेले जा चुके हैं, तो यहां पर टोटल मैचेस जो है यहां पर 13 मैचेस खेले जा चुके हैं T20 डोमेस्टिक मैचेस, और उसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली ने 7। यहां पर भी सेकंड बैटिंग करने वाली आगे नजर आ रही है भाई। ओवरऑल फिर से कहूंगा भाई बॉलिंग पहले चुनो फायदे में रहोगे। बात करें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर का, तो यहाँ पर 157 रहा है और हाईएस्ट जो स्कोर रह चुका है वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ, मतलब मुंबई इंडियंस ने बनाया था 206 का, और लोएस्ट स्कोर भी भाई मुंबई इंडियंस ने ही बनाया था 92 रन का। यानी कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस और आईपीएल वगैरह भी खेले जा चुके हैं और एवरेज जो फर्स्ट इनिंग स्कोर दिखा रहा है इसमें वो 157 है, तो यानी कि हम लोगों को रन 140 से ऊपर देखने के लिए मिल सकते हैं। और बात करें अगर जो टोटल T20 रिकॉर्ड्स की, यहाँ पर अभी तक इस विशाखापट्टनम में कितने T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं और यहाँ पर क्या क्या रह चुका है स्कोर्स वगैरह, उसकी अगर जो हम लोग बात करें वो हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग अगर जो देखे जाए यहाँ पर किस तरह के बॉलर्स का फायदे रहने वाला है T20 रिकॉर्ड्स में, मतलब अगर जो T20 इंटरनेशनल में देखा जाए तो इसका अभी तक जो ओवरऑल निकल के आया है, यहाँ पर राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है उन्होंने 8 विकेट ली है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने 2 विकेट ली है, टोटल विकेट 10 ली गई हैं, और राइट आर्म ऑफ स्पिनर और राइट आर्म लेग स्पिनर ने यहाँ पर 6 और 2 ली है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर ने यहाँ पर 2 बॉल लिया और टोटल विकेट 10 है। यानी कि दोनों ही तरह के बॉलर जो है अच्छे साबित हो सकते हैं इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों ने ही अच्छी खासी 10-10 की यानी कि बराबरी की विकेट ली है। यानी कि इस वाली पिच के ऊपर यहाँ पर हम लोगों को बॉलर्स का थोड़ा सा दबदबा नजर आने वाला है, क्योंकि इसको इस वाली पिच के ऊपर बॉल ज्यादा बाउंस करती है। और यही बात करेगा जो ओवरऑल यहाँ पर दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की, तो देखो यार मैं सच बताऊं पर्सनली इंडिया का जो है ना ओपनिंग ऑर्डर ठीक है, बाकी का थोड़ा सा यार मतलब खराब चल रहा है। मिडल ऑर्डर बहुत ज्यादा, बैटर्स भी बैटिंग जो करने वाला है वो भी बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बॉलर्स भी कुछ ज्यादा खास परफॉर्मेंस देके जा नहीं रहे, इसी कारण इंडिया हार रही है। यहाँ पर अभी तो ये न्यूज निकल के आ रही है कि भाई यहाँ पर दीपक हुड्डा को टीम में ले सकते हैं अक्षर पटेल की जगह, और बाकी तो भाई देखो कुछ कन्फर्म अभी मेरे को पता नहीं है, पर फिर भी जो प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है हमारे हिसाब से इंडिया की वो है ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, शेष अय्यर, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, हार्दिक पांडे, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, और बॉलिंग के मामले में आवेश खान, अर्षदीप सिंह और उमरान मलिक, इन तीन में से एक नजर आने वाला। मेरे ख्याल से अभी तो हम लोगों को उमरान मलिक या अर्षदीप सिंह में से देना चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल का एकदम ऑफ कलर नजर आ रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पर दम नहीं नजर आ रहा उनकी बॉलिंग में। रवि बिश्नोई ठीक ठाक है, मतलब रवि बिश्नोई का भी कुछ पता नहीं है फिलहाल। तो बात करें साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 का, देखो उनकी में यहाँ पर लास्ट टाइम कोर्टनी डिकॉक जो है इंजरी की वजह से थोड़ा सा निकल गए थे, तो मे भी ऐसा हो सकता है इस मैच में भी कोर्टनी डिकॉक ना खेलते हुए नजर आए। फिलहाल बात करें
साउथ अफ्रीका की टीम की कि भाई कैसी प्लेइंग होने वाली है, एज इट इज रहने वाली है। कॉर्नर डिकॉक की जगह बस रीता हेनरिच आने वाला है और बाकी टैम्बा वोना, रासे बेंदर, डेविड मिलर, हेनरी जैक्सन, ड्वेन प्रिटोनियस, वैन पैटर्न, कगिसो रबाडा, एनिश नोर्जे, एन केशव महाराज यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं हम लोगों को साउथ अफ्रीका पे। अगर जो देखा जाए कि भाई किस हिसाब से मतलब उन्होंने जो है ना मतलब नॉर्मली रहने वाली है, सेम रहने वाली है प्लेइंग 11, तो अगर जो कंपैरिजन करें दोनों ही टीम के भाई किस हिसाब से मतलब किसकी क्या चीज़ कौन सा ऑर्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से ना कंपैरिजन में टीम इंडिया का जो है ओपनिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हुए दिख रहा है। मतलब टीम इंडिया में अगर जो देखा है भाई, देखो कॉर्नर डिकॉक तो चले गए, रियाज हेनरिच का कुछ पता नहीं कैसे परफॉर्म करेंगे, ऋतु राजन, ईशान किशन तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ओपनिंग के ऑर्डर के मामले में, तो इसलिए कहूँगा कि ओपनिंग के मामले में भाई इंडिया नज़र आ रही है। मिडल ऑर्डर देखा जाए तो मिडल ऑर्डर में दोनों ही टीम का सेम रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक है मतलब दोनों ही टीम बराबर एवरेज स्कोर देकर के जा रही है दोनों ही टीम के मिडल ऑर्डर्स में से। अगर जो बैटिंग डेप्थ की बात करेंगे किसके पास अच्छी बैटिंग है, तो भाई मैं कहूँगा यार कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैटर्स हैं पर फिर भी यार ये मुकाबला नहीं जीत पा रही है। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, मैं इसके आगे का फैक्ट बताऊंगा, वो है बॉलिंग। भाई पीस बॉलिंग और स्पिनिंग बॉलिंग में दोनों ही साउथ अफ्रीका आगे है। एक बॉलिंग एक ऐसी चीज़ है, लोग सोचते हैं कि भाई बैटिंग ज़्यादा अच्छी चाहिए, नहीं भाई यहाँ पर दम होना चाहिए बॉलिंग में। बॉलर्स की वजह से इंडिया हार रही है, बॉलर्स जो है साथ नहीं निभा पा रहे यहाँ पर टीम का, वो यहाँ पर ढंग से डिफेंड नहीं कर पा रहे, इस वजह से भाई यहाँ पर दो है वो इंडिया बार बार हारती जा रही है। बैट्समैन अपना काम कर देते हैं पर बॉलर अपना काम नहीं कर पा रहे, इसी वजह से मैं कहूँगा कि भाई बॉलर्स में इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जो हम लोग बात करें लास्ट T25 लास्ट 5 मैच को रिकॉर्ड की, तो भाई साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर 3 मैच जीते हैं और इंडिया ने 1 मैच जीता है और 1 मैच जो है अबैंडन कर दिया गया था बारिश की वजह से। और अगर जो रिसेंट फॉर्म की बात करें कि रिसेंट फॉर्म में साउथ अफ्रीका ने लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल जीते हैं और इंडिया ने 3 जीते हैं और 2 हारे हैं, यानी कि इस मामले में साउथ अफ्रीका पल्ला भारी नजर आते हुए हम लोगों को नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर जो कंपैरिजन करें विन प्रेडिक्शन करें, देखो भाई मैं कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, साउथ अफ्रीका जीत सकती है आराम से भाई, 2 मुकाबले जीत चुकी है, तो इंडिया के पास अब करो या मरो वाली सिचुएशन है। अगर जो वो बॉलर्स को भाई मेरे ख्याल से बॉलर्स इंप्रूव कर ले भाई, अक्षर पटेल को हटा दे, आविश खान को हटा दे, तो आई थिंक गेम निकल जाएगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दीपक गुंडो को टीम में ले ही लिया है उन्होंने, उमरान मलिक या अर्शदीप सिंह को भी मौका दिया जाए, और आई थिंक बॉलर्स में थोड़ा बहुत इंप्रूव करे भाई ऋषभ पंत, तो आई ओब्वियसली गेम जीता पड़ा है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है, बस पता नहीं कैसे 2 मैच हार गए। बट स्टिल आई होप, विन प्रिडिक्शन की बात करें तो टोटल जो हैड टू हैड हर चीज़ जो है यहाँ पर कह रही है कि भाई साउथ अफ्रीका ये मामला तीसरा मुकाबला भी लेकर के जा सकते हैं, पर मैं फिर भी कहूँगा इंडिया जीतेगी, क्योंकि मैं भाई ब्लू टी शर्ट पहन गया हूँ देख लो। सो आप लोगों के हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती है फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना अपनी राय। जाने से पहले छोटी छोटे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, तब तक टेक केयर, वंदे मातरम, गुड बाय।